पैसे पकड़े जाते हैं भाजपा के नेताओं के यहाँ, 8-8 करोड़ रुपए छापा पड़ता है आम आदमी पार्टी वालों के यहाँ। बीजेपी का कोई मंत्री सुबह 6 बजे उठ के स्कूल में जाता है? कभी नहीं जाता है। जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया उसी दिन जो 6 लोग पहले से गिरफ्तार किए हुए थे इस घोटाले में उनको बरी कर दिया। भाजपा वाले कोई नेता ये तो बताए कभी इतने पैसे मिले हैं, कोई आया सामने आज तक? ये जनता से डर चुके हैं, इन्हें पता है कि जो अच्छे लोग हैं जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी बातें जनता स्वीकार कर रही स्वीकारते। आप देख सकते हैं दिल्ली में 3 बार हराया, पंजाब जीता और गुजरात जो कि गढ़ माना जाता था वहाँ पर 5-13% का वोट बैंक जो आया ना, तो मोदी जी हिल चुके हैं इस चीज़ से कि जनता अब अच्छे लोगों को पसंद कर रही है, अच्छे नेताओं को पसंद कर रही है, अच्छी राजनीति को पसंद कर रही है। तो उसी मेन उनका डरना इस वजह से, और इस डर की वजह अरविंद केजरीवाल है जो एक चेहरा है जो आज की डेट में एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति का चेहरा है। भाजपा के लोग डरे हुए हैं भाजपा के लोग डरे हुए हैं। एक बात बताइए, जो लोग भ्रष्टाचार हैं वो बीजेपी में आते ही धुले हुए कैसे हो जाते हैं? ऐसी कौन सी मशीन है जो बीजेपी में आने के बाद है वो बिल्कुल खुद हो जाते हैं, और अगर विपक्ष में है तो वो जो है उनके ऊपर बड़े गंदे आरोप लगाए जाते हैं। अभी पिछले जो चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं जिनके खिलाफ इन्होंने ये बोला था कि उन्होंने घोटाला किया और हम उसके खिलाफ CBI की जांच कराएंगे, अब वो उनके साथ खुद ये अपनी सरकार बना रहे, तो क्या अब ये अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ CBI की और ED की जांच करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दे इस चीज़ का। उनके घर में तकिए फाड़ दिए, गद्दे फाड़ दिए, दीवार तोड़ दिए, उनके लॉकर चेक कर लिए, एक पैसे का घोटाला नहीं मिला। ये लोग बोलते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है, 10,000 करोड़ घोटाला है कहाँ, वो तो बताएं। और जो शराब नीति का LG ने खुद उस पर सिग्नेचर किया हुआ था, अगर रहता तो ऐसा क्यों वो सिग्नेचर करता है? LG के संज्ञान में जो शराब की जो थी ना नीति वो चलाई गई। अभी BJP वाले डरे हुए हैं कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल के अच्छे काम किए, जैन साहब ने स्वास्थ्य और हॉस्पिटल के अच्छे काम किए, इस वजह से ये लोग डरे पड़े हैं। अरे जब एक साल हो गए आपको कुछ मिला नहीं और अब CBI ने गिरफ्तार कर दिया, तो गिरफ्तार है व्यक्ति को आप दोबारा गिरफ्तार करके दिखा रहे, तो ये आप कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। और आपने एक सब ED को, सिर्फ ED आपका एक सिकंजा है, लोगों जो विपक्षी लोग हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मैं विपक्षी बात नहीं करता, अगर कोई गलत होगा तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन आप एक साल से क्या कर रहे थे? आप कोई भी BJP के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ जी, अभी भी ऐसा ही लग रहा है आपको कि जो आवाज़ उठा रहा है वो जेल में जा रहा है? बिल्कुल, जो आवाज़ उठा रहा है वो जेल में जा रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। आप आवाज़ उठाते हो आपको जेल में डाल दिया जाता है, मैं आवाज़ उठाता हूँ मुझे जेल में डाल दिया जाता है, कोई भी विपक्ष का बंदा आवाज़ उठाता है उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो आखिर क्यों ये जेल की राजनीति हो रही है? देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो बड़े वादे किए थे, गुजरात मॉडल दिखाया था कि भाई देश भर में ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा मॉडल देंगे, लेकिन जब सत्ता में आ गए उसके बाद जो है उनके जो वादे थे और जो व्यवहार रहा वो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आया। उन्होंने शिक्षा तो दी ही नहीं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ किसी बच्चे से, किसी जो कॉलेज जाते हैं बच्चे या स्कूल जाते हैं उनसे पूछो कि शिक्षा मंत्री कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। आप दिल्ली में आ जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, वो तुरंत बताएंगे कि शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। एक एक बच्चे को बता, उनके पेरेंट्स को बनाए। क्या कह रहे हैं ये कि भाई कुछ तो गलत होगा, जरा सा घोटाला तो किया हो। महीने से जांच चल रही है, अगर एक पैसे का कोई घोटाला हुआ है तो बता दे ED CBI या BJP कोई नेता बता दे, उसको बताना चाहिए ना। ये तो दादागिरी है, ये तो तानाशाही है कि जेल में डाल दो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उठा के जेल में डाल दो। और ये लोग इतने भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि इनके एक भी नेता नहीं, उनकी जांच हो रही है, 8-8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इनके यहाँ, और ऑन रिकॉर्ड पूरे कैमरे पे 8-8 करोड़ रुपए का वो लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। उनके ID क्यों नहीं जा रही है, CBI क्यों नहीं जा रही है?